अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप सब खैर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली जो से हैं वो वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, आज जो हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है मिक्स वेजिटेबल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी सारी जो सी है वो सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये पालक है, गाजरें हैं, गोभी, शलजम, शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, मेथी और मटर और मोगरे भी हैं। मोगरे भी हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी सब्ज़ी जो सी है आज हम तैयार करने जा रहे हैं। तो मिक्स वेजिटेबल की जो सी रेसिपी है वो शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ईजी होगी रेसिपी और बहुत झटपट बन जाएगी, लेकिन सब्जियों को उससे पहले बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सब्जी को करते हैं तैयार और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी है वो हम लोग कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि सर्दियों में काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बनाना सिखाएं आप, ये हमारा दिल का, लेकिन बनानी नहीं आती है। क्योंकि गाजर आलू मटर तो बनते हैं, लेकिन हमें इसका नहीं पता कि किस तरह बनाएं, कौन सब्ज़ी को पहले डालें, क्या करें। तो इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट के बाद हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं जाना है, बस हमारी वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने काट लिए, दो टमाटर हैं, ये मेथी पालक है, ये आलू हैं, ये गाजरें भी हैं, शलजम भी हैं इसमें, बैंगन भी हैं, मटर भी हैं, हैं ये देखें। ये मैंने ना सब्जी काट ली, बैंगन ना छील के काटे हैं। अच्छा, तो और मुंगरे भी डाले दो टमाटर। मतलब मम्मा बता दें कि पहले आप कौन सी सब्जी डालेंगे, क्योंकि देखने वालों को यही कंफ्यूजन है वो आपके सामने। अच्छा, तो पहले मतलब पालक डालेंगे। हाँ जी, पहले मसाला भूनने के लिए टमाटर डालूंगी ना, दो नमक मिर्च मसाले डालूंगी आपके सामने। अच्छा, तो फिर मैं आपके बकाया काम आपके सामने दिखाती हूँ ना, डाल के सब्जियां साथ साथ धो ली हैं सारी सब्जियां। ठीक है, सारी सब्जियां धो ली हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह जो सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी उसको तैयार किया जाएगा। लहसुन टमाटर काट लें, अब इसे भूनते हैं अच्छी तरह, काट लें मसाले, पौना चम्मच नमक हल्दी का, पौना चम्मच नमक का, एक चम्मच मिर्च का। ठीक है, अब अच्छी तरह ने इसे भूनते हैं। मिक्स सब्जियां आप पकाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। साथ ये मेथी तो व्यूअर्स, बहुत सारे बहन भाई ने सवाल किया था कि मिक्स वेजिटेबल जो हमने तैयार करी थी तो हमें पता नहीं चलता, हमें समझ ही लगी कौन सी सब्जी को पहले डालें, कौन सी सब्जी को बाद में डालें। इतनी सारी सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। गोश्त में भी आप पका सकते हैं। हाँ, और हमें बार बार रिक्वेस्ट भी इसीलिए की गई थी कि हमें काइंडली आप बता दें कि कौन सी सब्जी को पहले डालना है, कौन सी को बाद में, कब डालें, किस तरह डालें। तो ये इसीलिए रेसिपी शेयर की जा रही है कि वो लोग जिन्होंने हमसे मतलब पूछा था, जिनको कन्फ्यूजन थी, आई होप कि आज की वीडियो के बाद उनकी ये कन्फ्यूजन जो सी है वो दूर हो जाएगी और इजीली जो मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी सारी मसाला सब्जी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। नाम ले लो ना फिर सब्जियों के, गाजर, शलजम, बैंगन है, मटर है, आलू है, नहीं नहीं राम से लो ना नाम से, नाम गाजर, शलजम, तो क्या कहते हैं, मटर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, मेथी, पालक, आलू, मटर, मूंगरे। हाँ ठीक है, तो आप लोग नोट कर लें कितने सारे मतलब आप जितनी मर्जी डाल लें। हाँ, आप लोग जितनी मर्जी डाल लें। तो आप लोगों के सामने हम लोग सब्जी को तैयार कर रहे हैं। तो ये डाल दिए सब्जी, अब इसके बाद कितनी देर पकाना है इसको? थोड़ा सा पकाते हैं इसे। ठीक है, तो फिर आपको दिखाते हैं। पालक भी नरम हो गई है। हाँ जी, अब ये ना माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका। अब
हम ना 10 मिनट पकाएंगे इसे, फिर इसमें ना आलू डालेंगे। 10 मिनट माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये पकेंगे, ये मैं मूंगरे भी डाल देती हूँ साथ ही। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह मम्मा ने कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपके सामने डाली है, पहले कौन सी डाली है, बाद में कौन सी, क्योंकि वो सब्जियां जो ज़्यादा जल्दी पक जाती हैं उनको हम लास्ट पे शामिल करेंगे, जिनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उनको पहले डाल दिया है। और शेप जो उनसे सब्जियों के वो आप लोग अपने हिसाब से अपने मुताबिक जिस तरह आप पसंद करते हैं उस तरह उसको काट सकते हैं। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी नरम हो गई हैं, तो ये हो जाएंगी और सब्जियाँ। पानी भी छोड़ दिया है सब्जियों ने, अब मैं ना आलू डालूंगी। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। इसके साथ ना रोटी, मतलब देसी घी के साथ रोटी चोपड़ी हो, ऊपर देसी घी डाल के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। अब थोड़ी देर ना आलू हो जाए ना 5 मिनट और, फिर मैं गोभी डाल दूँगी, सारी सब्जियाँ डाल के पका के हमारी हांडी तैयार। बस काटने का टाइम लगता है इसे, पकाने में तो अल्लाह खैर करे जल्दी हो जाता काम। आप लोग देख सकते हैं कि सब्जियां जो सी हमने डाली हैं वो पक गई हैं। तो अब इसके बाद लास्ट में हम डाल रहे हैं गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, गोभी भी हम लोगों ने डाल ली है, इसके अंदर शिमला मिर्च है। लास्ट में हमने ये दो चीज़ें शामिल की हैं, अदरवाइज जितनी भी बाकी वेजिटेबल्स हैं वो हम लोग इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। और अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और दोबारा पकने के लिए रख देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा निकला है सब्जियों का, तो इसको हम लोगों ने करना है ड्राई। तो ड्राई करने के बाद फिर इसको हम लोग आपको दिखाते हैं कि फाइनल लुक क्या होगा। अभी ये तैयार हो रही है और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और अगर तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है ना। घी भी आ गया, ये देखें साइड हो गए, अच्छा मैं अब निकाल के दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी हो गई है फाइनल, सारी की सारी जो सी आज हमने मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये है उसका फाइनल लुक। गर्मा गर्म धुएँदार जो सी है रेसिपी वो हमने कर ली है दिशा, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि विद नाज़िम सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को क्योंकि विद नाज़िम के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इस सर्दी के मौसम में लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इस गर्मा गर्म रेसिपी को बनाकर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।